अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में हत्या की थ्योरी को लेकर सीबीआई के हाथ अभी भी खाली है। लिहाजा सीबीआई अब इस मामले में सुशांत के मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर भी सुशांत की करीबी लोगों से पूछताछ कर रही है। रिया से पहले दिन की पूछताछ के दौरान सीबीआई का फोकस सुशांत के डिप्रेशन, दिशा सालियान और रिया की यूरोप यात्रा को लेकर था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई पिछले 6 दिनों से सुशांत सिंह के दोस्तों, नौकरों से लगातार पूछताछ कर रही है। इसी क्रम में सीबीआई ने शुक्रवार को सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती से भी 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सीबीआई अब तक की जांच में ये जानना चाहती है कि सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या। इस थ्योरी को लेकर सीबीआई ने सुशांत के नौकर और दोस्तों पर जांच के फंदे भी कसे और उन्हें सच कबूलने के लिए सुशांत के घर से लेकर सीबीआई दफ्तर तक गहन पूछताछ की गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार देर शाम तक चली पूछताछ के बाद सीबीआई के हाथ सुशांत की हत्या को लेकर अभी भी खाली है। लिहाजा सीबीआई अब तक इस मामले में सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर भी सुशांत के करीबियों से पूछताछ करने में जुट गई है। सीबीआई के आला अधिकारी के मुताबिक जांच के दौरान कोई भी ऐसा तथ्य छूट ना जाए जिसे लेकर बाद में सीबीआई पर सवाल उठाए जाए, लिहाजा दिशा को लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच से जुड़े सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि कड़ी दर कड़ी जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि सुशांत की मौत के आसपास जो भी घटनाएं हुई है उसके बारे में भी पूछताछ की जाए, जिससे ये पता चल सके कि कहीं दूसरी घटना से तो सुशांत के मामले के तार नहीं जुड़े हुए हैं। लिहाजा इन सभी लोगों से दिशा सालियान को लेकर पूछताछ की गई। इन लोगों से ये सवाल पूछे गए, दिशा सालियान घर में कब कब आती थी, सुशांत के कामों को कितना मैनेज करती थी, उसकी मौत की जानकारी सुशांत को कैसे लगी, सुशांत ने उसकी मौत को लेकर अपने दोस्तों और नौकरों से क्या बातें की। 9 जून की रात से लेकर 11 जून दिशा को लेकर सुशांत किन लोगों के संपर्क में थे, क्या सुशांत दिशा के मामले को लेकर खुद को असहज महसूस कर रहे थे। दिशा सालियान को लेकर रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को बताया कि वो उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती है, उसकी मौत के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती से सीबीआई के पूछताछ के पहले दिन का फोकस दिशा सालियान, सुशांत का डिप्रेशन और रिया की विदेश यात्राएं पर था। सूत्रों ने बताया कि पहले दिन की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती अपने साथ अपने बैंक से संबंधित दस्तावेज लेकर गई थी, साथ ही उन दस्तावेजों में उनकी जायदाद के कागजात भी बताए जाते हैं। पूछताछ के दौरान रिया ने ये तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए। अब सीबीआई जानना चाहती है कि रिया चक्रवर्ती को यूरोप में फैशन शो करने के लिए किस कंपनी ने बुलाया था, किस कंपनी ने उनके हवाई जहाज के टिकट कराए थे और किस कंपनी ने उसके यूरोप में रहने का इंतजाम किया था। हालांकि रिया ने अपने बयान में कहा है कि सुशांत को जब उनके यूरोप जाने का पता चला तो उसने भी अपना टिकट करा लिया था और उसके टिकट को भी कैंसिल करा कर उसके भाई के साथ उसका टिकट अपने साथ बुक कराया था। रिया ने यह भी बताया कि विदेश का खर्चा ज्यादातर सुशांत ने भी उठाया है, लेकिन उसके भी अपने पैसे खर्च किए थे। सीबीआई के एक आला अधिकारी ने इस बाबत कहा कि सुशांत के डिप्रेशन को लेकर तैयार की गई थ्योरी से सीबीआई पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। साथ ही सीबीआई यूरोप यात्रा में भी इस घटनाक्रम से जांच के कुछ पहलू देख रही है, लिहाजा रिया चक्रवर्ती से उसकी विदेश यात्राओं से संबंधित सभी दस्तावेज लेकर आने को कहा है।